डिस्को डांसर मिथुन चक्रवर्ती, इनकी फिल्म आई थी सबसे पहले मृग गया, कुछ खास नहीं थी पर एक्टिंग को लोगों ने बहुत पसंद किया। फिर आई सुरक्षा, फिल्म में एक्टिंग भी पसंद की गई, साथ ही मार्शल आर्ट फाइट भी बहुत पसंद किया गया। ये फिल्म बन गई सुपरहिट। फिर उसके बाद सफ़र चलता गया, 1982 आया, फिल्म आई डिस्को डांसर और मिथुन चक्रवर्ती बन गए जी हाँ बॉलीवुड के सुपरस्टार। इन्होंने इसी फिल्म से अपनी एक अलग पहचान बना ली कि वो बॉलीवुड के फाइटर के साथ साथ एक डांसर भी हैं। लेकिन समय आगे बीतता गया, फिल्में मिलती गई, हिट पे हिट जाती गई, लेकिन फिर थोड़ा होता नहीं है कि फिल्मों का जनरेशन चेंज होते जाता है। समय आया 1985 तक, 1982 से लेकर 85 तक मिथुन चक्रवर्ती ने बहुत सी सुपरहिट फिल्में दी। 85 में एक फिल्म आ रही थी प्यार झुकता नहीं, और उस फिल्म में ऋषि कपूर को कास्ट करने की बातें चल रही थी, लेकिन ऋषि कपूर बिजी थे, इसलिए ऋषि कपूर ने इस फिल्म में काम करने से मना कर दिया। बिजी थे भाई, लेकिन कि कहा गया कि अब इस फिल्म में किस एक्टर को लिया जाए, क्योंकि ये फिल्म थोड़ा एक बढ़िया फिल्म बनाई जा रही थी, स्टोरी उसकी अच्छी थी, लोग उसे पसंद करते उस समय के जनरेशन के हिसाब से। तब सोचा गया कि इस फिल्म में किसी और एक्टर को लिया जाए, तो मिथुन चक्रवर्ती का नाम सामने आया, क्योंकि मिथुन चक्रवर्ती उस समय चल रहे थे। लेकिन कि बातें फिर उठने लगी कि मिथुन चक्रवर्ती इस फिल्म में यार काम नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि वो यार एक डांसर हैं, फाइटर हैं, रोमांस नहीं कर पाएंगे, और ये एक रोमांटिक फिल्म थी। लेकिन लिया गया, मिथुन को ही लिया गया, आ जाओ भाई ठीक है काम करो। मिथुन ने फिल्म बनाई, पूरी फिल्म कम्प्लीट हो गई, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर ने मिलकर फिल्म को तो कम्प्लीट कर दिया, फिल्म बनकर तैयार। अब बात आई रिलीज की, कि इसको अब रिलीज किया जाए। आपको बता दूं कि ये फिल्म 2 साल तक नहीं रिलीज हुई, केवल इस वजह से कि मिथुन एक डांसर हैं, एक फाइटर हैं, रोमांस वाले एक्टर नहीं है, ये फिल्म नहीं चलेगी। तो इस फिल्म को कोई ख़रीद नहीं रहा था, कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर इस फिल्म को ख़रीदने को तैयार ही नहीं था कि मिथुन यार रोमांस कर सकेंगे। लेकिन जब सिचुएशन ऐसा आया कि अब इस फिल्म को कैसे भी करके रिलीज़ करनी है, तब मिथुन चक्रवर्ती ने अपने ऊपर रिस्क उठाया और बोला कि वो अपने दम पर इस फिल्म को रिलीज़ करेंगे, और इस फिल्म को उन्होंने रिलीज़ कर दिया। और रिलीज़ होने के बाद इसका क्या रिएक्शन आया, ये आप सब लोगों ने फिल्म देखकर ही जान लिया होगा कि फिल्म कितनी बड़ी सुपरहिट रही थी। जी हाँ, उस समय की ये फिल्म एक सुपरहिट फिल्मों में से मानी जाती है, और इस फिल्म के गाने को लोगों ने बहुत पसंद किया था। साथ ही इस फिल्म में जो एक्ट्रेस थी पद्मिनी कोल्हापुरी, इनको इस फिल्म के लिए बेस्ट एक्ट्रेस फॉर नेशनल अवार्ड से नवाजा भी गया था। वहीं मिथुन चक्रवर्ती की एक्टिंग को भी लोगों ने बहुत पसंद किया, और इसके बाद से मिथुन चक्रवर्ती की फिर रोमांटिक फिल्में भी आने लगी, जैसे कि वतन के रखवाले, रोमांटिक सीन उसमें भी थे। गुरु मूवी आई थी, वो भी एक रोमांटिक मूवी थी। वक्त की आवाज़, वो भी एक रोमांटिक मूवी थी। तो मतलब 1985 में जब ये पिक्चर रिलीज़ हो गई, प्यार झुकता नहीं, अलग रिलीज तो 2 साल बाद ही हुई थी, लेकिन जब ये फिल्म रिलीज होकर कंप्लीट हो गई, तब इस फिल्म के बाद इन्हें हर एक फिल्म में मिलने लगी, वो भी रोमांटिक वाली। तब तक मान लिया जाए कि 82 से लेकर 90 तक लगातार फिल्में करते गए मिथुन चक्रवर्ती, और उन्हें एक सुपरस्टार का नाम मिल गया। दशक आया 90 का, 90 में इन्होंने अपना रुतबा चेंज कर लिया, मतलब अपने आप को एक केवल एक्शन के स्टार में लगा दिए, और इन्होंने अपना एक खुद का इंस्टीट्यूट बना लिया। जी हाँ, इन्होंने ऊटी में अपना होटल बनाया, और वहीं पर फिर ये काम करने लगे और फिल्में वहीं से बनाने लगे। जो भी इनके पास आता था काम मांगने, वो उसे इस फिल्म में काम दिया करते थे। साथ ही अगर कोई प्रोड्यूसर या डायरेक्टर फिल्म में कास्ट करने वाला हो मिथुन चक्रवर्ती को, तो वो मिथुन के पास खुद आता था कि सर मेरी फिल्म में आपको लेना चाहता हूँ, और तो मिथुन चक्रवर्ती तो यही बस था कि भाई यही बस जो करना है कर लो, ऊटी में है। तो उनकी हर एक फिल्म की शूटिंग ऑलमोस्ट ऊटी में ही हुआ करती थी, और उनके होटल में सीन्स दिखाए जाते थे, बाहर के गार्डन्स में, पार्क में एक्शन रोमांस दिखाए जाते थे। तो कुछ मिथुन चक्रवर्ती का इस तरह से उस समय जलवा रहा था, और आज भी जलवा बरकरार है। आपकी क्या राय है, अपनी राय जरूर दीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो में।